पुलिस जिमखाना सिविल लाइन में आयोजित शिकायतों पर गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुनवाई की। उल्लेखनीय है कि गृह मंत्री देशमुख की ओर से 20 अगस्त को भी विशेष शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें नागपुर शहर व ग्रामीण के नागरिकों को किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर उनसे आवेदन मंगाए गए थे, जिसमें 50 आवेदनों पर सुनवाई की गई थी। वहीं दूसरी सुनवाई 11 जनवरी को पुलिस जिमखाना सिविल लाइन में आयोजित की गई थी। शिविर में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के साथ ही पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी और शासकीय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शिविर में उपस्थित थे। या शिविराला उपस्थित असलेले माननीय पुलिस आयुक्त, उपस्थित सर्व आमच्या खात्याचे सर्व ॲडिशनल सीपी डीसीपी, त्याचबरोबर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे सन्माननीय अधिकारी, आयुक्त कार्यालय नागपूर सुधार पंडण्यास, जिल्हा उपनिबंधक सहकार, सह जिल्हा निबंधक वर्ग एक नागपूर भूमी अभिलेख याचे उपस्थित सर्व अधिकारी। पहिलं आपण तक्रार निवारण शिबिर या ठिकाणी घेतलं होतं आणि त्याच्यामध्ये आपण 50 तक्रारी ऐकून घेतल्या होत्या। त्याच्या बाबतीत सविस्तर कोणत्या तक्रारीवर कारवाई झाली, कोणत्या तक्रारीवर नियमानुसार होऊ शकली नाही आणि किती प्रकरणात समजोता होऊन तो एक प्रकरण निकाली लागलं, अशा पद्धतीचा संपूर्ण आढावा इथे दिलेला आहे। आता या ठिकाणी आपण 75 ज्या तक्रारी आहेत त्याचा निपटारा या ठिकाणी करणार आहोत, पण त्याच्या पहिले जे या ठिकाणी अधिकारी आहेत उपस्थित विविध खात्याचे, त्यांनी आपली आपली ओळख त्या निमित्तानं करून द्यावी अशी त्यांना इथे सूचना करतो। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।